भाई मैं इस वक्त पुरानी दिल्ली में हूँ और मैं आपको सीधा खाना दिखाता हूँ जी। मैं अगर आपको ये बताऊँ कि ये छोले, शाही पनीर, दाल मखनी और ये दो रोटी जी मैंने मात्र 102 रुपए में लिए, तो क्या आप यकीन करोगे भाई? 30 रुपए में छोले हैं जी, 30 रुपए में शाही पनीर है, 30 रुपए में दाल मखनी है। कहाँ आया हूँ शुरू से आपको बताता हूँ जी, आ जाओ। पुरानी दिल्ली में घूमते हुए जी हमें एक बहुत ही शानदार जो है जी होटल मिला है जी, नाम है लाडली होटल। और जगह का नाम जो है सब कुछ मैं आपको भैया से बताऊंगा, क्योंकि मैं जो यहाँ पर रुका हूँ ना, देखकर जरा आप वैरायटी देखिए इनके पास जो है ना कितनी सारी है, मतलब बहुत कुछ है। अभी जरा भैया से बात करते हैं और आपको बताएंगे कि इनके पास क्या क्या है। भैया सबसे पहले तो अपना नाम बता दो जी। भाई मेरा नाम सागर है। और कितना टाइम हो गया इस होटल को? इसको तो होगा 60-70 साल। 60-70 साल हो गए? बिल्कुल जी। मैं देख रहा हूँ इतना तो यार, मतलब बड़े बड़े होटलों में चले जाओ ना तो इतनी वैरायटी नहीं होती जितनी वैरायटी आपके पास नजर आ रही है। जरा हल्की सी फुर्सत मिले तो बताओ कि आपके पास क्या क्या है। क्या नाम बताया भैया आपने? मेरा नाम सागर। सागर, हाँ इतना तो आसान है, तो सागर की वोटी इतना गाना चल रहा है। अरे यार है वो इंडिका वाला गाना आपके ऊपर ही है? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये होती है दाल मखनी, ठीक है जी, देख सकते हो। ये है दाल फ्राई, ठीक है, दाल तड़का जिसे कहते हैं। ये मटर पनीर है, ये मटर पनीर की ग्रेवी है, पनीर क्रीम ऊपर से डालते हैं। ये चना मसाला है, देख सकते हो। ये आलू गोभी है, आलू गोभी। ये कढ़ी पकौड़ा है, एकदम बढ़िया जी। और ये राजमा मसाला है, ठीक है। और ये कटहल है, ठीक है। ये बैगन का भरता है, बहुत बढ़िया। ये टिंडा है, टिंडा, हाँ बढ़िया, देखो आप। और ये भिंडी है जी, मसाले वाली। ये शाही पनीर की ग्रेवरी है, बहुत बढ़िया। तो पनीर क्रीम ऊपर, ये मिक्स वेज है, बहुत ही बढ़िया। और ये आपकी सोयाबीन चाप। और ये आ जाओ नीचे, ये थोड़ा पालक पनीर, वाह पालक कोफ्ता, बहुत बढ़िया। इनके पास भाई इतने सारे ऑप्शन है कि आपका जो दिल करे ना आप वो ट्राई कर सकते हो। मेरे ख्याल से हर रोज भी आप आओगे ना तो तब भी आपकी वैरायटी खत्म नहीं होगी। अब लगवाते हैं अपने लिए कुछ बढ़िया सा लगवाते हैं। तो भाई आप अपने लिए जो है ना दाल मखनी लगवा रहे हैं और मात्र 30 रुपए की है, जिसको अच्छा खासा जो है जी तड़का लगाकर हमें मिलेगी। ये भी भाई एक कुछ यूनिक ही है, प्राइस तो बहुत ही रिजनेबल रखा हुआ है इन्होंने, है ना? प्राइस तो बहुत सही है, बढ़िया। ये तड़के का स्टाइल देख लो आप, ओ भाई साहब ये तड़का देखे, ये है स्मोकी फ्लेवर जो हम खाने में कई बार बात करते हैं कि स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, बहुत बढ़िया लगवा रहे हैं जी हम। हमारे लिए एक चना मसाला। तो भाई यहाँ पर सारी की सारी सब्जियों की मेकिंग वगैरह हो रही है और यहाँ पर है जी इनका ये तंदूर जिसके अंदर पूरा इनका सेटअप लगा हुआ है। 20 रुपए का नान है जी, ये रखा हुआ, अभी इसको फुल खोलोगे तो ये है जी 20 रुपए का नान, वो भी स्टफिंग वाला, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और ये लच्छा पराठा कितने का भैया? वो भी 20 का है, बहुत बढ़िया जी, एकदम बढ़िया सेटअप, बहुत बढ़िया है। देखो छोटी सी दुकान है लेकिन उसको जो है ना फुल मेंटेन कर रखा है। मैं तो ये देखकर हैरान हो रहा हूँ, जो ये चीज़ है ना ये आपको बड़े बड़े होटलों में इस तरीके से नहीं दिखेगा जी, जो इतनी ज़्यादा वैरायटी है। और अगर देखा जाए तो इनके पास अंदर भी जो है ना जी सिटिंग है, तो आपकी इच्छा है अगर आप वहाँ बैठकर खाना चाहते हैं वहाँ खा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से जो है जी इन्होंने सॉरी और इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर टेबल लगा रखे हैं, तो यहाँ पर भी जो है ना आप फूड इंजॉय कर सकते हो। तो भाई अपना फूड आ गया है जी लाडली होटल का जी, आप देखो जरा, आप इसकी लुक देखो आपका दिल खुश हो जाएगा। मात्र 30 रुपए में दाल मखनी जी, रंगत देखो क्या ही बढ़िया शानदार लग रही है, गाढ़ी दाल है एकदम गाढ़ी, ऊपर जो रोगन डाल के दिया है भाई और क्रीम डाल के दिया है उसने तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल जो है रंगत ला दिया है। तड़का देखो क्या बढ़िया लगा था, और उसके रुपए में है जी शाही पनीर, शाही पनीर भाई साहब, पनीर के पीसेस देख लो, मैं कह रहा हूँ ग्रेवी की रंगत ही बता रही है कि खाने का क्या ही जो है ना जी स्वाद होगा, बहुत बढ़िया लग रही है। और साथ में जी हमारे पास ये तड़के वाले जी छोले, भाई बढ़िया एकदम बढ़िया। और इसकी कॉफी है जी 30 रुपए, मतलब 90 रुपए में ये, मैं कह रहा हूँ 90 रुपए में पंकज तू मैं और हमारे साथ एक बंदा और आ जाए आराम से खा जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से कितने की रोटी, मुझे ध्यान नहीं है, 6 रुपए की एक रोटी है जी, तो मतलब 100 नहीं तो 125 रुपए में तीन लोग बड़े मजे से जो है ना यहाँ पर बैठ के जी मजे से, और ऐसी रौनक वाली जगह पे जहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो 50 रुपए पर पर्सन है, 30 रुपए की सब्जी लेगा बंदा और दो तीन रोटी लेगा तो अपने 18 रुपए में तीन रोटी 50, हाँ। बढ़िया, मतलब 50 रुपए में बढ़िया सा खाना खा सकता है। आ जाओ जी अब इसको जो है ना जी टेस्ट करते हैं, तंदूरी रोटी। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आज टेस्ट जो है ना, चलो पहले छोलों से ही करते हैं जी,
बढ़िया से लगाते छोले मसाला, छोला मसाला मात्र 30 रुपए में, टेस्ट करते आ जाओ भाई साहब। अल्टीमेट स्वाद यार, मैं कह रहा हूँ क्या ही स्वाद है, मैं हैरान हूँ। मात्र 30 रुपए में आपको इतना बढ़िया टेस्ट मिल रहा है जी। और ये देख लो छोले हैं पंकज, ऐसा भी नहीं कि 30 रुपए का मटर मिल रहा हो, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट बाइट जी हम प्यार करते हैं। अच्छा इनके पास मैंने इतना बड़ा नान देखा मात्र 20 रुपए का भाई, मैं वो भी देख के हैरान था। मैंने कहा नहीं हम जो है ना तंदूरी रोटी ट्राई करते हैं, एरिया में रहते हैं उनके लिए मजे हैं भाई, सही में मजे है यार। दुकानदार देख नहीं रहा 30-30 रुपए की सब्जी वगैरह लेकर जा रहे हैं बड़े आराम से, और कई तो तड़का भी नहीं लगवा रहे, कह रहे वैसे ही बहुत स्वाद है। हाँ। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम तड़के वाली लोगों को दिखाते हैं। 30 रुपए में जी शाही पनीर, जो आपको दिल्ली में शायद ही कहीं मिले, ठीक है दिल्ली के, मेरे ख्याल से दिल्ली से बाहर भी शायद ही इस प्राइस में मिले। बाकी टेस्ट करते आ जाओ। देखो जी ग्रेवी जो है ना बहुत कमाल की, तड़के ने इसका स्वाद जो है ना और ज्यादा बढ़ा दिया। और मेन बात जो है ना जी वो ये है कि इनकी जो ग्रेवी है ना वो टमाटर वाली ग्रेवी है, इसमें आपको मगज मखाने नहीं मिलेंगे। 30 रुपए में मिलेगा भी क्या, इतना मिल रहा है भाई, मैं तो कहता हूँ यही बहुत बढ़िया है जी। अब आ जाओ जी मेन आते हैं हमारी फेवरेट चीज जी, दाल मखनी। इसको आपको जो है ना जी टेस्ट करके बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। अगर दाल मखनी ने ना बाकी दोनों चीजों के जो स्वाद है भाई साहब उनको बीट कर दिया। दाल मखनी ढाबा स्टाइल, अच्छा क्या टेस्ट आया ना, मजा आ गया भाई, मजेदार एकदम बढ़िया। जरा रंगत देख लो जी आप इसकी, बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर जो राजमा भी मिला हुआ, और मैंने तो भाई इनके पास जो राजमा देखा ऐसा लाल रंग का, कहते हैं कि जी वो कश्मीर में मिलता है जो है ना छोटा राजमा लाल रंग का बढ़िया वाला। इनके पास जो राजमा तैयार हुआ मेरा तो मन था लेकिन मैं कितना खाऊंगा, क्योंकि आज पंकज जी की जो है ना गले में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी तबीयत खराब है, तो वो भाई साहब आज खा नहीं रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको पैक करवाऊंगा जी, मेरे पैसे लगे हैं 6-6 18 रुपए 12 रुपए जी, और 90 रुपए इसके, तो मात्र मतलब मान के चलो कि 102 रुपए में ये खाना मैं अब घर लेके जाऊंगा और मजे से इंजॉय करूंगा। आप इसके बारे में क्या कहते हो कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई लाडली होटल का जो टाइमिंग है जी मैं आपको वो बता देता हूँ, 11 बजे सुबह ये स्टार्ट करते हैं जी, रात 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, ठीक है। लोकेशन सामने बोर्ड लगा हुआ है जी, कटरा बरियान चौक, ठीक है जी। ये देखकर आप जो है ना यहाँ आ सकते हो बिल्कुल, ये चौक है मेन, यहाँ पे आपको रिक्शे वगैरह वाले यहाँ पे छोड़ देंगे, और ये रहा यहाँ पे होटल। छोटी सी दुकान है जी लेकिन भाई साहब क्या तहलका मचा रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ अल्टीमेट फूड है। वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई पंकज के लिए लिख देना जी गेट वेल सून, क्योंकि भाई साहब के बगैर ना अकेले मेरे को खाने में भी मजा नहीं आ रहा।